हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए साड़ी से बहुत ही अच्छे यूनिक स्टाइल्स लेके आई हूँ। आपकी अलमारी में चाहे कितनी भी पुरानी साड़ी क्यों ना पड़ी हो, चाहे आउट फैशन हो चुकी हो, आप उससे ऐसी ड्रेस बनाएं बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए, एक साड़ी ले लीजिए, उसे पूरा हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए और बीच में एक नॉट बांध दीजिए, एक या दो नॉट बांध दीजिए। जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है, मैंने ये हाफ हाफ लेके बिल्कुल सेंटर में इसे टक कर रखा है नॉट बांध के। आप इसके फिर हाफ हाफ में जैसे जो पार्टीशन बचेंगे आप उसको अपने गर्दन पे अच्छे से बांध दीजिए, जैसे इसमें बांधा गया है। और जो उसका हाफ हाफ पार्टीशन बनेगा उसको आप प्लेट बना लीजिए, जैसे आप अपनी साड़ी में प्लेट बनाते हैं ना, वैसे ही आप इसे प्लेट बना लीजिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे आप चाहें तो बड़ी बड़ी प्लेटें बना सकते हैं, चाहे तो छोटी छोटी प्लेटें बना सकते हैं। छोटी छोटी का क्या फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा घूम जो होती है ना वो ज़्यादा बनेगी, तो आप छोटी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल आप हाफ पार्टीशन लेके इसे अच्छे से बना लीजिए। और आपको जितनी लेंथ रखनी है, अगर आप हिल पहनना चाहते हैं तो हिल पहन के बनाइए, फ्लैट पे तो आप फ्लैट के हिसाब से फ्लोर टच बना लीजिए, जैसे आप साड़ी बनाते हैं ना वैसे। देखिए, इसका हाफ पार्टीशन हो चुका है, अब दूसरी साइड वाला हाफ पार्टीशन में भी बना लेंगे। आप कोई भी साड़ी में बना सकते हैं, चाहे वो सिल्क हो, बनारसी हो, या नेट की साड़ी हो, या कोई भी फैंसी साड़ी हो, किसी भी साड़ी पे, या कोई भी आपकी अलमारी में पुरानी साड़ी रखी है जिसे आप पहन के बोर हो गए हैं या नहीं पहनना चाहते हैं, उसका भी अगर आप ऐसे ड्रेस बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए, ये मैंने इस साइड का भी प्लेट बना लिया है और अच्छे से ठक कर लिया है। देखिए, ये पूरा अच्छे से आप सेट कर लीजिए कि फ्लोर टच होना चाहिए, अच्छे से ढक। देखिए, बीच में जो गैप दिख रहा है इसमें दोनों तरफ से मिला के आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए, एक दो या तीन। देखिए, सेफ्टी पिन लग गया, अब इसमें बीच में पर्स नहीं दिख रहा। और जो साइड का एक बचा हुआ है कॉर्नर, उसको लेके आप पीछे से बिल्कुल टाइटली नॉट बांध लीजिए, बहुत टाइट होना चाहिए, जितना टाइट रहेगा वो घूम उतनी ही खूबसूरत आएगी। देखिए, ये ड्रेस बन चुकी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलता है और ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल है। देखिए कितना प्यारा, आप किसी भी कलर की साड़ी पे, किसी भी साड़ी से, चाहे वो आउट फैशन क्यों ना हो गई हो, आप बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका एक एक वर्क दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। आप किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें बेल्ट बहुत ज़रूरी है, आपके पास कैसी भी बेल्ट हो, डिज़ाइन वाली, चौड़े पट्टे वाली, पतली। और इसको पीछे एक फ्लावर बना लेना है, जैसे आप स्कूल में रिबन में बनाया करते थे वैसा, या तो आप जैसे लटकन में बांधते हैं वैसा, या आप और भी किसी डिज़ाइन से बनाते। देखिए, ऐसा लगेगा फ्रंट और ये बैक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये साड़ी। देखिए, ये सेकेंड लुक है, वो जो पीछे हमने नॉट बांधा था बहुत टाइटली, उसे खोल लेना है और उसका आगे नॉट बांधना है। बेल्ट कंपलसरी है, बेल्ट आप इसमें पहने ही, कैसी भी बेल्ट पहन सकते हैं आप, सिंपल, डिज़ाइनर, चौड़े पट्टे वाली, पतले पट्टे वाली, कैसी भी। एक नॉट आगे, एक और दो पीछे, और ये कंफर्टेबल रहती है, आप इसे पहन के नाच सकते हैं, गा सकते हैं, डीजे पे नाच सकते हैं, बारात में जा रहे हैं बारात में नाच सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये बंधा बंधा नज़र आएगा या मूव नहीं होगा, आपके पैर भी अंदर से इसमें खुले खुले से हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी। आप इसे किसी भी क्रॉप टॉप, डिज़ाइनर ब्लाउज़ या टॉप, फुल टॉप, स्लीवलेस, बैकलेस, कटलेस, इसमें अगर आप बैकलेस पहनना चाहें तो बैकलेस भी पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। किसी भी तरह की शर्ट हो आपके पास, किसी भी तरह का ब्लाउज़, किसी भी तरह का टॉप, चाहे फुल हो या क्रॉप हो या ट्यूब टॉप हो, कैसे भी आप इसे पहन सकते हो और ये बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बैकलेस भी पहनेंगे आप तो भी इससे बहुत प्रिटी लगेगा। ये है थर्ड डिज़ाइन, जो वो नॉट बांधा था उसे आप खोल लेंगे और उसका जो फ्रंट, इसमें दो पार्टीशन है, एक को आप पीछे से जहाँ पे आप पिन लगाते हैं शोल्डर पे, वहाँ पे पिन लगा लेंगे, एक सिर्फ एक पिन लगेगा दोनों को जोड़ के, इसमें सिर्फ एक सेफ्टी पिन लगेगा। और ये साड़ी पूरी बेल्ट पे ही है, एक तो साड़ी में सेफ्टी पिन नहीं लगाना होता, इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक बेल्ट है, पर इसमें लगाना है एक शोल्डर पे। आप चाहे तो कोई डिज़ाइनर ब्रॉच या इयररिंग को भी ब्रॉच बना के पहन सकते हैं, कोई भी, कोई माला हो या कोई भी आपके पास लॉन्ग से एक्सेसरीज हो, उसको कहीं भी पहन सकते हैं, चाहे आप कमर पे लगा लीजिए,
या ब्रॉज से लगाते हुए जो आगे पड़ रहा है उस पर लगा लीजिए कहीं भी। ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। ये जो यहाँ पे हमने टक किया था सेफ्टी पिन से उसे खोल लेना है और उसको यहाँ पे ऐसे कमर पे बटरफ्लाई बना लेना, जैसे आप स्कूल में रिबन पे बनाया करते, जो रिबन पे बनाता था वो, या तो जैसे नॉर्मली बटरफ्लाई बना लेना टॉप और लहंगे के बीच। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। आप कैसी भी साड़ी ले सकते हैं, किसी भी कलर की, और किसी भी क्रॉप टॉप पे पहन सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। क्रॉप टॉप नहीं है तो आप किसी भी टॉप को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा नेक्स्ट स्टाइल है। ये देखिए कितना खूबसूरत स्टाइल है। ये साड़ी को पूरा डबल कर देना है, जितनी भी बड़ी आपकी साड़ी हो उसे डबल कर देना है और उसको ऐसे एक तरफ से घुमा के ऐसे शोल्डर पे ला के और वहाँ पे उसे टक करना है। देखिए जो शोल्डर पे आया ना पीछे से घुमा के उसे, हाँ यहाँ पे सेफ्टी पिन लगानी, सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन लगेगा। फिर आप उसे बेल्ट पहन लीजिए, उसे उसे बेल्ट पहन के फिर आप इसे प्लेट बना लीजिए, क्योंकि इसी प्लेट से आपको जो डिज़ाइन मिलेगा बहुत खूबसूरत सा गोल गोल सा, वो आपको इसी प्लेट से मिलेगा। तो आप उसे अपने बेल्ट में टक कर लीजिए, यहाँ से वहाँ तक फैलाते हुए टक कर लीजिए। देखिए कितना, और ये जब प्लेट्स बन जाती है ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल एक एक क्लियरली दिखता है। ये मेरी वाइट साड़ी है तो नेचुरल लाइट की वजह से थोड़ा वाइट वाइट दोनों मैचिंग हो गया, लेकिन आप अपनी किसी भी देखिए फिर भी इसमें दिखाई दे रहा है, एक एक प्लेट एक के ऊपर एक, इतना प्यारा लगता है। और साइड में आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो इधर साइड में है खाली उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं आपको इसका दूसरे में कुछ और करके दिखाऊंगी डिज़ाइन। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। हाँ ये एरिया आप अभी इसमें छोड़ देंगे, ये अलग स्टाइल है। ये पूरा फुल है तो आपको अंदर आप कुछ भी पहन लीजिए, जैगिंग या लेगिंग या कुछ भी, लॉन्ग सिंपल स्कर्ट जो आप घर में पहनते हैं, या पजामा जीन्स ट्राउज़र कुछ भी आप इसमें अंदर पहन लीजिए, अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। जो भी आप इसमें अंदर इनर वेयर पहनते हैं आप उसे पहन लीजिए। ये देखिए इस एरिया को मैं अभी कुछ और डिज़ाइन आपको करके दिखाऊंगी। इसमें जो घूम आती है ना पूरी साड़ी में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो कमर पे ऊपर से कमरबंद भी पहन सकते हैं, कोई भी एक्सेसरीज आप इसे पहन सकते हैं, हाथों में रिंग्स या कुछ भी सेट वगैरह, झुमके कुछ भी। आप अपना ट्यूब टॉप है तो आप अंदर ट्यूब टॉप पे इसे पहन लीजिए, जैसे मैंने ट्यूब टॉप पे पहना है इसे, क्योंकि इस पर टॉप अगर दिखाई देता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ट्यूब टॉप पे पहन लीजिए इसे। देखिए कितना प्यारा लुक है। ये जो साइड वाली एरिया खाली थी इसको भी आप ऐसे प्लेट्स बना लेंगे, बराबर से दोनों को जोड़ के अच्छे से प्लेट बना लेंगे। फिर ये पूरी ही ऐसे घूम घूम के बन जाएगी, गोल 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 नज़र आएगा, बहुत ही प्रीटी लगता है ये। ऐसा लगता ही नहीं कि आपने साड़ी से पहना, पहनने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगता साड़ी से पहना है, ऐसा लगता है कि कोई ड्रेस है। और फुल लेंथ आप चाहे तो हील फ्लैट जूती कुछ भी जो अभी आपको पसंद है वो पहन सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से, कुछ भी एक्सेसरीज पहन सकते हैं, कैसा भी हेयर स्टाइल रख सकते हैं इस पर, क्यूट वाला या बन या ओपन हेयर, स्ट्रेट कर्ली हेयर कुछ भी आप इस पर हेयर स्टाइल रख सकते हैं, पोनी टेल्स या जो भी आप बनाना चाहें। एक तो बात है कि आपकी किसी भी साड़ी से, देखिए कितना प्यारा है, किसी भी साड़ी से बन जाएगा ये। इधर से भी प्लेट है और उधर से भी प्लेट है, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लुक देता है आपको। और आप इसमें बिल्कुल कम्फर्टेबल, आपको कहीं से भी ये बंधा हुआ या उलझन नहीं नज़र आएगा। और आपको इसमें बेल्ट बिल्कुल अच्छे से पहनना है, जैसे आप अपने किसी भी जीन्स पे या ट्राउजर्स वगैरह पे पहनते हैं, टाइटली अच्छे से कंफर्ट के हिसाब से टाइटली होना चाहिए, क्योंकि सारी प्लेट बेल्ट में ही जाएगी। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे टाइट ही रखिएगा, जो आपको तकलीफ भी ना हो और प्लेट्स भी ना बाहर आए। ना इसमें कोई पिन लग रहा है ना कुछ भी, देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। इसकी एक एक प्लेट चाहे आप किसी भी साड़ी पे पहनो बहुत ही प्रिटी लगता है। ट्यूब टॉप टाइप का है आपके पास, आप ट्यूब टॉप पे इसे पहन लीजिए, या अपना कोई भी इनर वेयर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, अपनी एक्सेसरीज वगैरह डाल लीजिए शादी में, जैसे कमरबंद, हाथों में कंगन, रिंग्स, मांटिका, इयर रिंग्स, सेट्स कुछ भी पहन सकते हैं आप, और अपनी किसी भी साड़ी से बना सकते हैं, चाहे वो आउट फैशन हो गई है या कुछ भी आप पहन सकते हैं। जब आपकी पुरानी साड़ी का एक
प्रिटी ड्रेस बन जाएगा ना, तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, वो साड़ी भी रिपीट नहीं लगेगी और अच्छा लगेगा। देखिए ये साइड का लुक है, ये आपका ये लुक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत लुक है ये। उसी साड़ी में जैसे पहना था वैसे ही, बस वो जो प्लेट हमने बनाई थी उसे खोल लेना है, बाकी सब वैसा ही है। और इसमें जो दो पार्टीशन है, देखिए जो दो हैं, क्योंकि साड़ी को डबल किया हुआ है ना, तो इसमें दो पार्टीशन है, तो एक को उल्टा करके लेके आपको पीछे से प्लेट बना के, अभी रफली प्लेट बना के बस आपको अपने शोल्डर पे रखना है, राइट शोल्डर पे आएगा ये, हाँ बताई थी आपको, राइट शोल्डर पे रखना है। और जो दूसरा बचा हुआ है इसको बेल्ट के पास से अच्छे से खींचते हुए इसकी फिर से प्लेट बनानी है हमें, जैसे हमने पहले बनाई थी। ये देखिए जो ये खाली है इसकी अच्छे से प्लेट बना दीजिए, छोटी 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 प्लेट बना लीजिए, छोटी छोटी प्लेट बना के आप उसे अच्छे से एडजस्ट करके उसमें गैप करके आप उसे फिर से अपने बेल्ट में टक कर लीजिए। और ये जो खाली एरिया छोड़ा है इसे भी दोबारा आप ऊपर से प्लेट बनाते हुए टक कर लीजिए। वाइट साड़ी और नेचुरल वाइट लाइट की वजह से थोड़ा वाइट वाइट हो गया है, देखिए इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए। अच्छा इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, जैसा आप नॉर्मल साड़ी पहनते हैं वैसे थोड़ा सा, बिल्कुल 5-6-7 मिनट का टाइम लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसमें। क्योंकि प्लेट्स पहले बनानी नहीं है, पहले उसको लपेटना है, बेल्ट लगाना है, फिर बाद में ऐसा प्लेट बनाना है, तो ये जल्दी बन जाती है। इनफैक्ट साड़ी की प्लेट से जल्दी बनवा जाती है, क्योंकि उसमें बराबर रखना है, बहुत झमेला होता है। और जो आपने राइट शोल्डर पे ही जो एक्स्ट्रा आपने रफली डाला था उसे अच्छे से सेट कर लीजिए। ये देखिए इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे अपने ट्यूब टॉप पे या इनर वेयर किसी पे भी पहन लीजिए, फुल कंफर्ट के हिसाब से अपने, क्योंकि इस पे टॉप वगैरह दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे ही अच्छा लगता है दादा। अगर आप इस पे टॉप वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बट ट्राई करके लेकिन ज़रूर देखिए कितना प्यारा लुक आया है, बेल्ट लगा के साइड में से, ये बेल्ट में से ही, ये बेल्ट में से जो आपने रखा हुआ है उसे बस गिरा देना है आपको। ये विंटर लुक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके हैंड कवर रहेंगे तो थोड़ा ठंड आपको कम लगेगी, तो विंटर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भी साड़ी पे या किसी भी ड्रेस पे जैकेट स्वेटर शॉल तो नहीं ले सकता है कवर करके, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसे एक पूरे अपने हाथ पे ऐसे गिरा सकते हैं, ये कितना प्यारा लुक लग रहा है। और दूसरे तरफ से भी जो पिन में पीछे से आके जो जहाँ पे मैंने ब्रॉश लगा रखा, दूसरी तरफ से भी इसे हल्का गिरा सकते हैं आप हाफ तक, ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। ये जो एरिया हमने बेल्ट में डाला था घुमा के, इसे निकाल के बस अपने हाथ पे रख लेना है, ये बहुत अच्छा रॉयल लुक देता है, ये लुक भी बहुत ज़्यादा प्रिटी, ये बहुत अच्छा रॉयल लुक देता है आपको। देखिए आप चाहें तो अच्छे से हाथ के बीच से निकाल के आप इसमें चाहे तो पिन लगा सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, या तो फ्री रखें या तो ऐसे रख के हाथ में बना के पिन लगा लीजिए, ये कितना प्रिटी लग रहा है। वो जो दोनों जो थे जिसे हमने पहले काम किया था उसे निकाल लेना है और दोनों साइड टक करके उसमें पिन लगा लेना है, ये भी विंटर लुक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नेबल फैशनेबल हो जाता है, ये इंडो वेस्टर्न लुक भी है और आपके लिए वेडिंग, इनफैक्ट विंटर वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके हाथ कवर रहेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा और फैशनेबल भी है, थोड़ी ठंड भी कम लगेगी। ऐसे रखिए इसे, बहुत प्रिटी लगता है, ये जैकेट टाइप लगता है ऊपर से, आपको एक्स्ट्रा शॉल वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, या तो इसको आप ऐसे करके नॉट भी कर सकते हैं, और ये भी प्रिटी लगता है, इसमें भी आपको ठंड नहीं लगेगी। खाली हाथों से तो अच्छा ही लगेगा, कम से कम ठंड तो कम लगेगी, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो बहुत प्रिटी लगता है।
पूरी देखें और आप स्टेप बाय स्टेप से ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।